हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आईडियाई में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा जो सेट नंबर है वह 33 होगा। इससे पहले सेट नंबर ऑलरेडी हम 32 वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आर के आईटीआई यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसमें सर्च में बार में जाइए, वहाँ पर लिखिएगा आर के आई टी आई यूट्यूब चैनल, तो डायरेक्ट हमारा पेज आएगा। उस पर विजिट करके ये सब वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके DMRC है, LMRC है, या फिर UPPCL TG2 है, DRDO है, ISRO है, या ALP CBT2 है, तो इन सब में जितना भी टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी हम इस वीडियो के माध्यम से, मिक्स क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और पसंद आया वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और इसे सबने आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप हैं सब में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग होती है, अवमंदन वाइंडिंग को हम डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग जो होता है किसके लिए होता है? पहला, फील्ड वाइंडिंग में एम्पियर टर्न बढ़ाने के लिए। दूसरा, क्षेत्र परिपथ में उत्तेजन में वृद्धि के लिए। तीसरा है, तुल्यकालिक मोटर की दक्षता में वृद्धि के लिए। या चौथा है, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, जो डैम्पर वाइंडिंग होता है उसका बेसिकली यूज हम तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं, ठीक है। जो अवमंदन वाइंडिंग होता है वह तुल्यकालिक मोटर के पोल फेस पर लगाई जाती है। जो पोल फेस होता है उस पर हम ये डैम्पर वाइंडिंग को लगाते हैं, और यह वाइंडिंग मोटर में हंटिंग प्रभाव को भी क्या करती है? कम कर देती है। जो हंटिंग इफेक्ट होता है उसको भी यह डैम्पर वाइंडिंग कम कर देती हैं। हंटिंग प्रभाव क्या होता है? जब मोटर का जो वाइब्रेट वगैरह होता है, हिलता है, तो उस दोष को हंटिंग प्रभाव कहते हैं। इसको भी यह न्यूट्रलाइज यानी कम कर देता है अवमंदन वाइंडिंग, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, एक तुल्यकालिक मोटर में भी कर्व इनमें से किसके बीच खींचा जाता है? तो दोस्तों देखिए, भी कर्व जो होता है वह मेनली आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है, ठीक है। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार होता है, इधर अपना यूनिटी होता है और यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर होता है, इधर लैगिंग होता है, ठीक है। तो यह आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दिया है क्षेत्र वोल्टेज और क्षेत्र धारा, गलत है। दूसरा, आर्मेचर वोल्टेज और क्षेत्र धारा, ये भी गलत है। तीसरा, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा, तो आपका तीसरा बिल्कुल सही बोल रहा है, ये आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच में खींचा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है? तो किस पे किया जाता है? केवल मध्यम गति प्राइम मूवर्स पे, केवल उच्च गति प्राइम मूवर्स पे। तीसरा है, निम्न एवं मध्यम गति प्राइम मूवर्स पे। चौथा है, केवल निम्न गति प्राइम मूवर्स पे। तो गैर समुन्नत जो होता है दोस्तों, ये नॉन सिलेंडिकल होता है, ठीक है। सिलेंडिकल टाइप रोटर होता है, तो सिलेंडिकल टाइप रोटर हाई स्पीड पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाई स्पीड में जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें हाई स्पीड का मतलब 3000 RPM तक ये प्रयोग किया जाता है, सिलेंडिकल टाइप, ठीक है। बेलनाकार रोटर भी बोलते हैं। तो ये मेनली यह किस पे यूज किया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल उच्च गति प्राइम मूवर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोटर दो प्रकार के होते हैं, एक सेलियंट पोल रोटर होता है, दूसरा सिलेंडिकल होता है। सेलियंट लो स्पीड के लिए होता है, सिलेंडिकल हाई स्पीड के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ हाई पूछा है सिलेंडिकल का, तो हो जाएगा केवल उच्च गति प्राइम मूवर के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, सिंक्रोनस मोटर को दोगुनी उत्तेजक एसी मशीन क्यों कहा जाता है, यानी डबली एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है, इसे उत्तेजित कर
करंट की तरह आवश्यकता होती है। दूसरा है बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई मस्ट बी कनेक्टेड रेस्पेक्टिवली टू आर्मेचर एंड फील्ड, यानी दोनों एसी और डीसी आपूर्ति क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होती है। तीसरा है, इसमें रेस्टेटर पोल्स के दो सेट होते हैं। चौथा, अत्यधिक उत्तेजित नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीसी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो डबली एक्साइटेड क्योंकि आ जाती है, क्योंकि उसके रोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं और स्टेटर में हम एसी सप्लाई देते हैं, तो दो सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों एसी और डीसी आपूर्ति सप्लाई क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुल्यकारी संधारित सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या है? पहला, एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकारी मोटर का बिना लोड के काम करना। दूसरा, स्व उत्तेजित मोटर का भारी लोड में काम करना। तीसरा, एक स्थैतिक संधारित बैंक का भारी लोड पर काम करना। चौथा है, अंडर एक्साइटेड तुल्यकारी मोटर का बिना लोड पर काम करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग ऑन नो लोड कंडीशन, मतलब एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकारी मोटर का बिना लोड से काम करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, तुल्यकाली सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकाली गति से चलते हैं क्योंकि .. के मध्य इंटरलॉकिंग होता है। किसे? आर्मेचर वाइंडिंग से, स्टेटर और रोटर फील्ड से, रोटर वाइंडिंग से, या फिर स्टेटर वाइंडिंग से, या फिर स्टेटर वाइंडिंग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेटर और रोटर फील्ड से जो है इंटरलॉकिंग होता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, सॉफ्ट लोड का अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? तो किसके द्वारा बदला जा सकता है? शक्ति को परिवर्तित करके, क्षेत्र उत्तेजक को बदलकर, क्षेत्र उत्तेजक को नियत रखकर, या चौथा, गति को बदलकर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो क्षेत्र उत्तेजक को बदलकर क्या कर सकते हैं, हम सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो 100% उत्तेजक के लिए जो EB जो होता है वह बराबर होता है V के, यानी यूनिटी पावर फैक्टर पे EB बराबर V के होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक cos phi किस के बराबर होता है? तो देखिए, 3 phi जो सिंक्रोनस मोटर होता है P बराबर √3 VL IL cos phi होता है, या cos phi बराबर क्या हो जाएगा, P/√3 VI हो जाएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला पूछा है, देख लेते हैं। पहला होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा P/√3 VI। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, cos phi बराबर P/√3 VI हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग का कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? तो सेलिएंट पोल टाइप रोटर का, उत्तेजक का, स्लिप रिंग का, और आगे है बेलनाकार पोल प्रकार का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेलिएंट पोल टाइप रोटर होता है सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग का कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, सेलिएंट पोल टाइप रोटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के नुकसान पहचाने। तो सिंक्रोनस मोटर का बेसिकली नुकसान क्या होता है? तो पहला है, इसके लिए डीसी उत्तेजन की आवश्यकता होती है जो बाहरी सोर्स से दी जाती है। दोस्तों यही सही हो जाएगा, यही इसका सिंक्रोनस मोटर का डिसएडवांटेज होता है कि इसके लिए डीसी उत्तेजन की आवश्यकता होती है और बाहरी सोर्स से दी जानी चाहिए, यानी दी जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जो
इसकी जो गति होती है, इसकी गति स्थिर होती है। सिंक्रोनस जो मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर की गति स्थिर होती है, ठीक है। यह लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पर यह चलाया जाता है, कार्य करता है ना। तो ये सब भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति बढ़ते लोड के साथ कम हो जाती है, शून्य के बराबर होती है, बढ़ते लोड के साथ बढ़ जाती है, बढ़ते लोड पर लगभग स्थिर रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी एक सिंक्रोनस मोटर की जो गति होती है वह बढ़ते लोड पर लगभग स्थिर रहती है। ns बराबर होता है 120 f बटा p, है ना। तो इतना होता है, तो यह बढ़ते लोड पे लगभग स्थिर गति होती है। बात करें, यह मोटर जो है सेल्फ एक्साइटेड नहीं होती है और इसमें जो स्लिप का मान होता है वह शून्य होता है। इसमें जो दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसमें दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, जो DC सप्लाई देते हैं वहाँ पे, है ना। और इसे लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे चलाया जा सकता है। तो ये सब भी स्टाफ फैक्ट आप याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों बार के समांतर उपयोग की जाती है। क्या अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सब स्टेशन बस बार में समांतर में उपयोग की जाती है। कौन? सिंक्रोनस मोटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, तुल्यकारी मोटर डाट पर प्रचालित हो सकती है। तो किस पे हो सकती है? लैगिंग पे, लीडिंग पे और यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सिंक्रोनस मोटर है उपयुक्त तीनों पर पश्चगामी, अग्रगामी, यूनिटी शक्ति गुणांक पे वर्क करती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी दूसरा होगा नहीं, तीसरा, चौथा, ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक सिंक्रोनस मोटर को एक सिंक्रोनस संधारित की तरह प्रयोग कर सकते हैं जब अंडर एक्साइटेड होता है, ओवर एक्साइटेड, अंडर लोडेड, ओवर लोडेड। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो ओवर एक्साइटेड अति उत्तेजित होती है। तो अति उत्तेजित पे संधारित ओवर एक्साइट करने पर जो सिंक्रोनस संधारित की तरह यह कार्य करने लगती है, ठीक है। तो तीनों पावर फैक्टर पर यह वर्क करती है और सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस संधारित की तरह जब कार्य करती है जब यह ओवर एक्साइटेड होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, तुल्यकारी मोटर में .. की आवश्यकता होती है। क्या शून्य आपूर्ति, केवल दिष्ट धारा, तीन फेज प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा, चौथा है केवल तीन फेज प्रत्यावर्ती धारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि तीन फेज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है किसमें? सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, सिंक्रोनस मोटर को हम डबली एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ की वाइंडिंग दी जाती है, मतलब वाइंडिंग दी जाती है और स्टेटर रोटर दोनों में सप्लाई दी जाती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, उल्टा भी यानी एक इन्वर्ट भी, अभी हम भी कर्म देखे हैं और यह उल्टा भी .. का ग्राफ होता है। जो उल्टा भी होता है किसके बीच ग्राफ होता है? तो मेनली यह कॉस फाई यानी पावर फैक्टर और IF फील्ड करंट के बीच और पावर फैक्टर के बीच यह ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह पावर फैक्टर और IF फील्ड करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ होता है, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जैसे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसमें इन्वर्ट भी और भी कर्व के बारे में पूछ देता है, ग्राफ किसके किसके बीच में खींचा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पावर फैक्टर और IF के बीच में, फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। क्वेश्चन अगला हमारा, तुल्यकारी मोटर का प्रयोग .. के लिए किया जाता है। किसके लिए? एलिवेटर लिफ्ट के लिए, बोल्टा नियमन और शक्ति गुणांक सुधार के लिए, संकर्षण के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए और पावर फैक्टर
इम्प्रूव के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडलिंग यानी डैम्पर वाइंडिंग के तरह संतुलित तीन फेज वोल्टता बनाए रखती है। अर्धभार स्थिति में, पूर्ण भार स्थिति में, संतुलित भार स्थिति में और संतुलित भार स्थिति में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब असंतुलित भार स्थिति होती है तब अपना डैम्पर वाइंडिंग जो है वोल्टता बनाए रखती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो, डी हो जाएगा। डैम्पर वाइंडिंग दोस्तों, यह जो डैम्पर वाइंडिंग होता है हंटिंग इफेक्ट को भी दूर करती है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली चार पोल तुल्यकालिक मोटर के लिए शाफ्ट की घूर्णन गति, तो घूर्णन गति चार पोल है तो कितना हो जाएगा, 1500 आरपीएम हो जाएगा। कैसे निकाल लेंगे, ns बराबर 120 f बटा p, तो 120 f का मान 50 है, 120 नीचे p का मान 4 है, 4 3 12, 3 5 15, तो ns का मान कितना आ जाएगा, 1500 आरपीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1500 आरपीएम। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर .. है क्या है, ये स्वतः मोटर नहीं है, दिष्ट धारा मोटर है, स्वतः प्रवर्ती मोटर है, सार्वत्रिक मोटर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वतः प्रवर्ती मोटर नहीं है यानी नॉट सेल्फ स्टार्ट है, तो यह सही है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि उसे बाहर से हम एक्सटर्नल सोर्स के डीसी सप्लाई देना होता है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, पौनी मोटर का प्रयोग करना .. के लिए एक स्टार्टिंग विधि है, यूनिवर्सल मोटर, तुल्यकारी मोटर, शंट मोटर, प्रेरण मोटर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो तुल्यकारी मोटर होता है उसमें पौनी मोटर का प्रयोग किया जाता है स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, तुल्यकारी मोटर में शुरुआती बल और टार्क प्रदान करने के लिए चार्ल डोनन यानी हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बैक पिच वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा दोस्तों, यदि एक तुल्यकारी मोटर अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक .. अग्रगामी, मतलब शक्ति कारक क्या होगा, अग्रगामी होगा, इकाई होगा, पश्चगामी होगा या शून्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब ओवर एक्साइटेड में चल रही है तो आपका क्या होगा, अग्रगामी होगा। जब वह अंडर एक्साइटेड में चलती है तो लैगिंग होता है, और जब यूनिटी पे चलती है तो यूनिटी होता है, जब लेवल पे चलती है तो, है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे, ओवर उत्तेजित है तो उसमें अग्रगामी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, इंडक्शन मोटर की तुल्यकारी गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को .. कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको स्लिप कहते हैं। देखिए स्लिप बराबर होता है ना सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्लिप कहते हैं उसे। क्वेश्चन अगला हमारा, तुल्यकारी मोटर में प्रारंभिक टार्क और रनिंग टार्क के बीच का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, 1 5 10 0। तो दोस्तों यह जो होता है शून्य होता है। जो तुल्यकारी मोटर में स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क के बीच का जो अंतर होता है वह क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। क्यों शून्य होता है, क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर जो इंस्टेंटेनियस टार्क होता है वह शून्य होता है, है ना, शून्य होता है। अब जिसके कारण सिंक्रोनस मोटर जो है अपना स्वप्रचालन यानी सेल्फ स्टार्ट होने में असफल होती है, ठीक है ना, असफल होती है। तो इसलिए उसको डबली एक्साइटेड किया जाता है, बाहर से एक्साइट दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यह इसके बीच का जो टार्क होता है वह जीरो होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णन फ्लक्स की तरह ही समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णन फ्लक्स के बीच
की सापेक्ष गति क्या होगी? वन होगी, एक जी माइनस से एक के बीच होगी, जीरो होगी, बिटवीन जीरो से वन होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। यदि स्टेटर या मैम मैग्नेटोमोटिव फोर्स घूर्णन फ्लक्स की तरह ही समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएम और घूर्णन फ्लक्स के बीच जो सापेक्ष गति होगी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, है ना। समान गति से घूमेगा तो सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, तुल्यकारी मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरों पर डॉट 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 के लिए लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? इम्प्रूव द पावर फैक्टर, दूसरा स्टेबलाइज द सब स्टेशन वोल्टेज, तीसरा परफॉर्म बोथ ऑफ द एबो फंक्शन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वह इम्प्रूव द पावर फैक्टर यह भी काम करता है और स्टेबलाइज द सब स्टेशन वोल्टेज उपकेंद्र में वोल्टता को स्थिरता प्रदान करता है। तो दोनों यह मोटर काम करती है, उसको हम उसमें समांतर में लगा देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन अगला है, जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं उसे डॉट 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 कहते हैं। डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस, यूनिवर्सल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तुल्यकाली यानी सिंक्रोनस कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, शक्ति गुणक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है शक्ति सुधारने के लिए? इंडक्शन मोटर का नहीं, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का नहीं, डीसी सीरीज मोटर का, चौथा है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है इसका प्रयोग जो है पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम लेटेस्ट जैसे भी हम करंट अफेयर या फिर टेक्निकल का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, यह अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है RKITI PDF, उसमें टेलीग्राम में सर्च करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक टेलीग्राम का दे देंगे, वहां से आप PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।